सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखें, अब हमने चादर की कटिंग कर ली है, जैसा कि मैंने आपको कटिंग में बताया था। अब हम इसकी स्टिचिंग की जानिब चलते हैं। स्टिचिंग में इसकी चारों साइडों को हमने तैयार करना है। तैयार करने का तरीका ये है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये आप कटिंग वाला हिस्सा मैंने लिया है, इसकी ये उल्टी साइड है और ऊपर सीधी साइड है। इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है जैसे शर्ट के घेरे तैयार करते हैं। इसको मैंने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद आपने करना है जिस तरह शर्ट के घेरे बनाते हैं, सेम उसी तरीके से थोड़ा सा आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको एक तरफ ऊपर तय, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। एक तरफ बारी थोड़ी सी इतनी सी तय, इसके ऊपर एक और तय लगानी है इस तरीके से, और सिलाई लगती जाएगी। आपने नॉर्मल सा इसको साइड से सिलाई करना है जैसे कमीज के घेरे बनाते हैं। चलिए अब हम इसको सिलाई करते हैं। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक और तय लगाकर अब हम इसको सिलाई करते हैं। अच्छा, एक तरफ आपको ये कन्नी नज़र आ रही है, ये वाली, ये आपका दिल करता है तो आप इसको सिलाई कर लें, नहीं दिल करता तो कोई ज़रूरत नहीं इसको सिलाई करने की, लेकिन सिलाई करने का तरीका सेम ही होगा। अगेन थोड़ा फोल्ड अंदर की तरफ और एक तय ऊपर और सिलाई। ये देखें, फ्रंट से इस तरह ही आती जाएगी। इसी तरह अब ये मैं साइड सी कर तैयार कर लूंगी। ये देखें, ये एक साइड हमने इसकी बना ली है। अब इसी साइड के साथ ही मैं अगली साइड को सिलाई कर लूंगी सेम इसी तरीके के साथ। ये देखें, अब ये सारी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको इसकी फ्रंट साइड दिखा रही हूँ। आप कोई भी आपने बेडशीट सीनी है वो सेम इसी तरीके से सिलाई होगी। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, दोनों तरफ से ये नीट है। अब हम तकियों की सिलाई करते हैं। ये देखें, अब हम बेडशीट मुकम्मल सीने के बाद तकिए की सिलाई करेंगे। तकिए को हमने इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है, इस इधर और फिर इधर। एक तरफ का मुंह हम ओपन रखेंगे, वो इसलिए ताकि हम इसको उल्टा सकें, बाद में इसकी संजाफ निकालेंगे। चलिए सबसे पहले इसको उल्टा करके यहाँ से हम सिलाई लगाना इसकी शुरू करते हैं। अब हम इसको इस साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड हमने ओपन रखनी है और एक साइड को हम बंद कर देंगे सिलाई लगाकर। ये देखें, अब ये हमारी एक साइड तैयार हो चुकी है सिलकर। अब इसी तरह हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे जो कि हमारा लंबाई वाला हिस्सा है। अब ये हमारी दोनों साइडें सिलाई हो चुकी हैं, लंबाई वाली भी और चौड़ाई वाली भी। मैं एक दफा आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिलकर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरफ से हमारा इकट्ठा था इसलिए यहाँ पे सिलाई नहीं आई। एक सिलाई हमने इधर लगा दी और एक सिलाई ये लंबाई में लगी। लगाने के बाद अब
जो सेकंड स्टेप है तकिए का वो ये है कि अब हमने इसके मुंह को यहाँ से सिलाई करना है फ्रंट साइड को। उसके लिए सेम जिस हमने चादर का बनाया था घेरा तैयार की थी, थोड़ा सा यूं दोबारा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ और फिर एक इस तरफ, और यहाँ पे आपने सिलाई लगाकर इसको सिलकर तैयार करना है। चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं। ये देखो अब ये हमारा तकिया सिल गया था, सिलने अब इसको एक तरफ तो हमने इसका ये टर्न करके इसको तैयार करना है और साथ ही अंदर की तरफ ये मैं सीधा कपड़ा आपको रखकर दिखा रही हूँ, ये दो तकियों का कपड़ा आपने इस तरह इसके अंदर ये कपड़ा लगाना। ये इसलिए है कि तकिया इसके अंदर होल्ड हो जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकलता, वहां से नजर नहीं आता। तकिया होल्ड करने के लिए ना हम ये लगाएंगे, एक तरफ यहाँ से सिलाई लगेगी, एक तरफ यहाँ से सिलाई लगेगी और दूसरी तरफ यहाँ से सिलाई लगेगी। इसको सिलाई लगाने के लिए क्या तरीका है कि हम ये उल्टा रखेंगे और सीधी साइड लेंगे, ये उल्टा है और इसको सीधी साइड लेंगे, लेकर इस तरह इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अभी मैं आपको लगाकर भी बताऊंगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ ही उल्टा देंगे तो ये गुम सिलाई की तरह आ जाएगा, इस तरह ये इसकी तरफ आ जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे तकिया होल्ड हो जाएगा। चलिए आप सबसे पहले इसको हम सिलाई लगा सकते हैं। अब ये हम जो तकिए को होल्डिंग वाला कपड़ा वो लगा रही हूँ अंदर की तरफ। ये देखें अब हमने इसको सिलाई लगा ली है और ये सिल चुका है। अब हम इसके यहाँ फ्रंट साइड को इस तरह तैयार करेंगे। ये देखें अब हमने ये वाला कपड़ा भी इसको लगा लिया और इसकी फ्रंट साइड को हमने रेडी भी कर लिया। इस तरह हमने इसका तैयार करना है और ये कपड़ा लगाया। अब इसको लगाने के बाद हम इसको यूं करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद ये देखें अब एक सिलाई यहाँ आ जाएगी और एक सिलाई यहाँ आ जाएगी और इसके अंदर आपका ये तकिया आ जाएगा। और फिर जिस तरह मैंने इसको तैयार किया है अब मैं इसको तैयार करूंगी और ये हमारा तकिया जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसका साथ साथ दूसरा तकिया भी तैयार कर लूंगी। ये देखें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम इसको यहाँ से तरपाई करेंगे और इसको तैयार करेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप में हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि जितना कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर चला जाएगा। चलिए सबसे पहले आप इसका तैयार करते हैं। ये देखें ये जो अब दूसरी वाली साइड है इसको हम थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे, ये संजाव के लिए हम इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे। अब मैं इसकी सिलाई लगाने लगी। ये देखें आपने इतना चौड़ा इसको रखना है तकरीबन एक पोर के मुताबिक। अब ये हमारा संजाव वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब वो जो होल्डिंग के लिए हमने कपड़ा लगाया था उसकी सिलाई लगाएंगे। यस तकिए को अब मैंने चारों तरफ से इस्त्री कर लिया है। इस्त्री करने के बाद हमने इसकी ये आपके सामने इसकी लुक है, ये ऊपर वाली इसकी संजाव जो मैंने कहा था हम इसकी बड़ी बनाएंगे और ये नीचे वाला कपड़ा हमने प्रेस करके इसको सारा अंदर की तरफ कर दिया। ये आपके सामने ये जो कप तकिए को होल्ड करने के लिए हमने कपड़ा लगाया था। अब हम क्या करेंगे इसको चारों तरफ से इतना इतना तकरीबन एक पोर जिसको हम पोटा बोलते हैं इतना इतना हम चारों तरफ से इसको सिलाई लगाएंगे और इसकी संजाव निकाल लेंगे।
चारों तरफ से हमने ये संजाब निकालनी है इसकी। इस तरह फिर हमारा ये सारा तकिया सिलकर तैयार हो जाएगा। संजाब के साथ जो इनकी साइडों की सिलाइयां है वो भी इकट्ठी लग जाएंगी एक ही दफा। जो अंदर की तरफ हमने सिलाइयां लगानी थी वो संजाब के साथ हम इकट्ठी सिलाई लगाएंगे। चलिए अब हम इसकी संजाब की सिलाई लगाते हैं। ये जो संजाब की चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक पोटे की जितना बताया है तो मैं उतनी ही सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह हम इकट्ठा ही इसको सिलाई रखेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे। लंबाई से अब हम चौड़ाई की तरफ हैं। अब इसकी चौड़ाई की तरफ से भी सिलाई लग गई। ये आप देख लें कि इसमें कोई सिलवट कोई बाल नहीं है। इसी तरह अब फिर से हम लंबाई की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह आप हाथ अंदर डालकर इसकी अच्छी से सेट करके ये जो साइडों पे हमने सिलाई लगानी है अब ये सिलाई भी वो साथ आ जाएगी। ये यहाँ पर वो कपड़ा है, यहाँ से मैं आपको फील करके बता रही हूँ। और ये यहाँ से वो कपड़ा स्टार्ट हुआ है जो होल्डिंग के लिए हमने लगाया है, और ये इसके ऊपर अब सिलाई आएगी। यहाँ से आप इसको डबल कर लें, इसको पक्का कर लें, और हमारा ये तकिया सिलकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अब मैं बाकी तकिए को भी सी लूंगी, जो दूसरा तकिया है। ये देखिए जी, हमारा तकिया सिलकर तैयार हो चुका है। इसकी चारों तरफ से संजाब भी बन चुकी है। इसी तरीके से आप अपने तकियों को तैयार करें। अब मैं आपको दोनों तकियों और बेडशीट की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारी किंग साइज बेडशीट आपके सामने सिलकर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसके अंदर से दो तकिए भी बनाए और एक बेडशीट। ये आपके सामने कितनी खुली खुली है, ये लटक भी रही है चारों तरफ से, और ये आपके सामने है। दो तकिए हैं, मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरफ जो सर और पांव की तरफ आना है उसमें हमने वो हिस्सा रखना है जहाँ पर हमने ये तरपाई की हुई है मशीन के साथ, और दूसरी तरफ लटकन में ये आपका कन्नी आई हुई है, इसे कन्नी कहते हैं। ये आपको थोड़े थोड़े इसके रेशे नजर आ रहे होंगे, ये करनी है, इसको हमने ऐसे रख दिया। ये देखें, अभी हमारा तकिया मुकम्मल तौर पर सिलके तैयार हो चुका है। इसको मैंने कवर चढ़ाया है। आज जो मैंने आपको चीज़ दिखानी थी वो ये अंदर वाला कपड़ा है। ये इसलिए हमने किया कि जब आप तकिया वगैरह रखते हैं या उठाते हैं तो अक्सर हम बेहतियाती से उठाते हैं तो यहाँ से निकल आता है। जब इसने तकिया होल्ड किया होगा इस कपड़े में तो सिर्फ कपड़ा नजर आएगा, तकिया नहीं, ये इसका फायदा था। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।